तो हमने पढ़ लिया था भैया ग्रेटर हिमालय, उससे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर ग्रेटर हिमालय पढ़ा, फिर मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय जो भी बोल लो वो पढ़ा। अभी बाकी है हमारा शिवालिक। शिवालिक तो देखो, शिवालिक जो है ना ये उतना हाइट नहीं है सर, उतना बड़े बड़े उतना हाइट वाला रेंजेस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए शिवालिक में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको माउंटेन नहीं मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट पर्वत नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग शिवालिक में कोई पर्वत का नाम याद नहीं रखते हैं, परंतु हम ये याद रखते हैं कि शिवालिक का जो एक्सटेंशन है वो किस किस स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में शिवालिक का एक्सटेंशन हमें दिखता है। तो हेडिंग डालिएगा शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। हां जी, धौलाधार जो है वो लेसर में आता है, लेसर या फिर मिडिल जो भी बोलो। चलिए, शिवालिक, शिवालिक कौन कौन से स्टेट में आता है ये लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है हमें शिवालिक का एक्सटेंशन, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, पंजाब में देखने को मिलता है, हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें यूपी में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन स्टेट्स में आपको शिवालिक का एक्सटेंशन दिखेगा, ठीक है। तो इन स्टेट्स को अब बैठ के रटना नहीं है, आपको फील करना है कि यार ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, मेरे भारत में मैंने यहाँ पे पढ़ा, मैंने यहाँ पे एक हिमालय पढ़ा। कौन सा हिमालय पढ़ा था यहाँ पे, किस टाइप का हिमालय पढ़ा था, कौन सा हिमालय पढ़ा था यहाँ पे, ये बताएगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्रेटर, जो कि यहां से ऐसे ऐसे स्टार्ट होके फिर यहां से ऐसे ऐसे पढ़ा था सर, ग्रेटर याद आ रहा है किसी को। फिर हमने पढ़ा था सर मिडिल, मिडिल, मिडिल पढ़ा सर, मिडिल, महाभारत रेंज वगैरह याद आ रहा होगा आपको, मिडिल। अब लास्ट बारी है सर शिवालिक की, तो शिवालिक कहाँ दिखेगा, देखो शिवालिक आपको इस जगह पे दिखता है, कैन यू ऑब्जर्व, यहां पर आपको शिवालिक दिखता है, यहाँ पे सी, जम्मू कश्मीर को टच किया सर, पंजाब को टच किया, हिमाचल प्रदेश को टच किया, हरियाणा को टच किया, यूके को टच किया, सर इधर आपका बिहार को टच किया, बिहार के बाद सर वेस्ट बंगाल को टच किया। तो शिवालिक का एक्सटेंशन आपको लगना चाहिए कि आप फुट हिल्स में हैं। अब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई में नहीं है सर, अब आप ऑलमोस्ट फुट हिल्स में पहुंच गए हैं, जो माउंटेन है उसका फुट हिल में है, मतलब माउंटेन का चरणों में है आप। फुटहिल का मतलब क्या होता है कि माउंटेन का कदम, माउंटेन अब ज्यादा बड़ा बड़ा ज्यादा ऊंचा ऊंचा आपको माउंटेन नहीं देखने को मिलेगा शिवालिक में, आपको हाइट दिखेगा। आप कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं सर, क्या दिखता है आपको, ज्यादा हाइट दिखता है क्या, बहुत ज्यादा हाइट दिखता है क्या, नहीं दिखेगा बहुत ज्यादा हाइट, बहुत ज्यादा हाइट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो शिवालिक बेसिकली वहीं से स्टार्ट होता है सर, वहां से स्टार्ट होना, वहां से शुरू होना हो जाता है सर। तो शिवालिक जो है आपको उतना हाइट वाले पहाड़ नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई एग्जाम में भी पहाड़ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इस स्टेट में। अब एग्जाम में सोचो, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि शिवालिक जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो अगर आप इसको ट्रू मार्क आएंगे तो मतलब शर्म वाली बात ही है, और तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो बस आपको एक जहन में रखना है कि ऐसा कुछ तो पढ़ा है शिवालिक को लेकर, शिवालिक में हमें इतना ही याद रखना है। अब देखो, ये जो हमने पढ़ा हिमालय के बारे में सर, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ये किस हिमालय का पढ़ा, ये हमने पढ़ा नॉर्दर्न हिमालय, उत्तरी हिमालय। तो सर और भी कोई हिमालय है क्या, आज तक हम लोग इसी चीज में कंफ्यूज है सर, उत्तरी हिमालय के बारे में पढ़ा, और भी कोई हिमालय है क्या, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया उत्तरी हिमालय के बारे में बताओ, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया उत्तरी हिमालय चार हिस्सों में हमने बांटा है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर या फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक। आप तेजा हैं, आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसके बाद। सर ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। सर काराकोरम के अगल बगल पढ़ा है क्या, केटू, कासरगुरुम, राकापोशी, तेजा,
मतलब आप एकदम झाड़ देना, उसके बाद फिर ग्रेटर में आना, एकदम नंगा पर्वत से होके एकदम नामचा बारवा तक पहुंच जाना, फिर लेसर में आना, एकदम पीर पंजाल से लेके महाभारत रेंज तक पहुंच जाना, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, इतना बार आप प्रैक्टिस कर लो ना कि कोई आपके सामने खड़ा हो जाए तो एकदम धड़ाधड़ डैम जैम मतलब आप सोचो सब कोई मैंगो जैम खा रहे हैं, आप डैम जैम से पूरा दुनिया हिला देंगे, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से, भारत में हमें दो टाइप के हिमालयस देखने को मिलते हैं, दो जगह में, दो दिशाओं में। एक होता है सर नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय। इस नॉर्थ रीजन में, इस पूरे नॉर्थ रीजन में हमें हिमालय देखने को मिलता है। परंतु एक और जगह हिमालय देखने को मिलता है, किधर देखने को मिलता है सर? वी कैन ऑब्जर्व हिमालय हियर ऑल्सो। मतलब भारत में दो दिशाओं में हिमालय देखने को मिलता है, भारत में नॉर्दर्न हिमालय, ये हो गया नॉर्दर्न हिमालय, और ये हो गया ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है? तो हिमालय जो है वो ईस्टर्न, ईस्ट साइड में भी एक्सटेंडेड है, ठीक है? तो हमने नॉर्थ हिमालय के बारे में पढ़ लिया, जितना भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर पर्वत श्रृंखला था वो भी पढ़ लिया, जितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत था वो भी पढ़ लिया। अब हमारा अध्ययन कहाँ पे शिफ्ट होगा? ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। अब कोई इंसान होगा जो सोच रहा होगा कि अरे यार मास्टर तो बताया था कि नॉर्दर्न हिमालय कैसे बना है, लेकिन ये वाला कैसे बना ये तो बताया ही नहीं। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, प्यार से देखिएगा, बहुत प्यार से, ठीक है? देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। सी, प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, देखो देखो, मैग्मा के कारण सब सब कॉन्टिनेंट घूम रहा है इधर उधर। सी, प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट टूट टूट के जा रहे हैं। और ये देखो, ये है हमारा भारत। भारत पहले देखो कहाँ था, पहले कहाँ था? गोंडवाना लैंड का भाग था, पहले कहाँ था? गोंडवाना लैंड का भाग था। अब देखो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे बीच में इसको कौन सा हॉटस्पॉट मिलेगा, क्या नाम है उस हॉटस्पॉट का, कौन सा हॉटस्पॉट बनेगा इस रास्ते में, इसको कौन सा हॉटस्पॉट मिलेगा सर? रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट। और इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के वजह से भारत में मैदान का फॉर्मेशन होता है, ट्रू या फॉल्स? रीयूनियन हॉटस्पॉट के वजह से भारत में मैदान प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि किसका किसका फॉर्मेशन होता है सर? डक्कन का पठार का, डेकन प्लेटू, ठीक है? दी डेकन प्लेटू बनता है। अब देखो ये गोंडवाना लैंड से टूट के अब अंगारा लैंड की तरफ जा रहा है सर, लॉरेशिया की तरफ जा रहा है। सी सी, लॉरेशिया की तरफ जा रहा है। भैया इतना फास्ट चलोगे? नाउ नाउ हियर ऑब्जर्व, हियर ऑब्जर्व, कैसे ये टकराएगा? ये कौन सा प्लेट है सर? ये कौन सा प्लेट है? ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर इंडियन प्लेट, जो भी बोलो आप। और ये ऊपर में कौन वेट कर रहा है? यूरो एशियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट ऊपर में वेट कर रहा है। सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकराया किससे? देखो टकराएगा, देखो टकराएगा। सी, जस्ट ऑब्जर्व करना कैसे ये टकरा रहा है। सी टकराया, सी टकराया, टकराने के बाद देखो हिमालय बन गया, देख रहे हो हिमालय बन गया। एक और बार देखो, एक और बार देखो, फील हुआ, फील हुआ, हिमालय बन रहा है, हिमालय बन रहा है। देखो अब ये मैं दिखाना क्यों चाह रहा हूं, तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग कभी दरवाजा बंद किए हैं अपने लाइफ में? अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं, डेली करते हैं। दरवाजा कभी आप बंद करते हैं, दरवाजा कभी आप बंद करते हैं तो क्या दरवाजा, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका गेट, दिस इज योर गेट, ये आपका गेट है, आपका गेट ऐसे खुला हुआ रहता है और आप क्या करते हो, दरवाजे को ऐसे जाके बंद कर देते हो, ऐसे जाके बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, ये दरवाजा ऐसे 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 एंगुलरली एंगुलरली खड़ा है, इसको आपको बंद करना है तो आप ऐसे करके बंद कर देते हो। दरवाजा जो होता है उसको ऐसे करके हम बंद कर देते हैं। फील करना, फील करने वाली बात है, बस फील करने वाली बात। सर यहाँ पे हुक वगैरह रहता है सर, ठीक है? उस जैसे हमारा जो दरवाजा है वो टिल्टेड रहता है, वो उस पुली के कारण, उस एंगल के कारण वो हमारा दरवाजा आराम से बंद या खोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो इस दरवाजे को हम जाके
बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बंद करने का, दरवाजे को हम लोग ऐसे करके बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, बंद करने का। अब मान लो दरवाजा हम ऐसे इधर बंद कर दिए, ऐसे बंद कर दिए, तो क्या सिर्फ और सिर्फ फोर्स यहीं पर लग रहा है? नहीं। कभी करके देखना घर में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दरवाजा खोलना आधा, ठीक है, और दरवाजे के दूसरा साइड जो आपका खूंटा होता है ना, उसके एक साइड से तो दरवाजा हैंग्ड होगा पुली वगैरह से, ठीक है, एक साइड से तो हैंग होगा एंगल वगैरह से, ठीक है, एक साइड तो हैंग होगा, लेकिन दूसरा साइड खुला होगा सर, जहां पे आप दरवाजा जाके ऐसे लगाते हैं, दूसरे साइड में अपना उंगली रखना और फिर से दरवाजा बंद करना, तो आपके उंगली में चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्या हुआ? देखो, ये था मेरा यूरो एशियन प्लेट, ये था मेरा यूरो एशियन प्लेट, नीचे से आ रहा था कौन? इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट का शेप कैसा था? देखो ऐसा था, देख रहे हो आप, देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो ऐसा था, टेढ़ा है सर, टिल्टेड, टेढ़ा है सर, टेढ़ा है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, देखो टेढ़ा है। जब ये आके इधर इधर टकराया, जब ये यहाँ पे आके टकराया, कैसे टकराएगा सर, कैसे टकराएगा? ये आके टकराएगा ऐसे। आप देख रहे हो, सबसे पहले भारत का ये वाला भाग यूरो एशियन प्लेट से टकराएगा, देख रहे हो, ये वाला भाग टकराएगा। अब ये वाला भाग जैसे ही टकराया, देखो एक दरवाजा जैसा फील होगा आपको, कि एक एंगल पे दरवाजा खुला हुआ है, अब ये दरवाजा बंद होने का कोशिश कर रहा है। पहले ये वाला टकराएगा, फिर ये हिस्सा टकराएगा, फिर ये हिस्सा टकराएगा, फिर ये हिस्सा टकराएगा, ये टकराएगा, ये टकराएगा, ये टकराएगा, ये टकराएगा। और सर यहाँ पे भी लैंडमास है, यहाँ पे भी लैंडमास ऑलरेडी है। अब देखो, ये दरवाजा को अगर हम लोग बंद कर रहे हैं तो क्या पूरा फोर्स यही लगेगा? नहीं सर। हाँ, ये बात सही है कि परपेंडिकुलरली फोर्स यहाँ पे लगेगा, परंतु सर थोड़ा सा फोर्स तो इस साइड भी लग जाएगा ना, और इसी कारणवश सर यहाँ पे तो नॉर्दर्न हिमालय बन गया, और यहाँ पे बन गया ईस्टर्न हिमालयस। अगर आप देखोगे अच्छे से इस वीडियो को, तो देखो, ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये जा रहा है, सी पहले ये टकराया, पहले उसके बाद ये टकराया, और लास्ट में जाके जब ये टकराया ना, तो इधर से भी फोर्स लगा, और यहाँ पे उड़ गया ईस्टर्न हिमालय, यहाँ पे बन गया क्या? पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय। इसीलिए सर हमें दो टाइप का हिमालय देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, समझ में आया सभी को? और अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे दिखता है ना हमें अंडमान एंड निकोबार, क्यों बना पता है? क्योंकि सर जब भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रहा था ना, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या था सर? कॉन्टिनेंटल प्लेट था, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों जब एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था, परंतु इसी कन्वर्जेंस की वजह से इस वाले मार्जिन पे क्या हो रहा था? ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा था। और जब भी ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, तो सर एक प्लेट अंदर चला जाएगा, नीचे में मैग्मा बनाएगा, भड़ाम से मारेगा, वॉल्केनो निकल जाएगा, और वॉल्केनो के कारण सर यहाँ पे क्या बन गया? आइलैंड बन गया, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार। समझ में आया सभी को? ठीक है, ईस्टर्न हिमालय कैसे बनने को मिला, क्यों मिला, समझ में आया? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालय के बारे में। ईस्टर्न हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या क्या हैं, और आई होप इस चीज में तो आप लोग महारथी बन चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, हम लोग को सबको पता है सर कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा स्टेट है, तो सबसे पहला स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है दी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा, और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉपिक डालिएगा पहले, ईस्टर्न हिमालयस, या फिर देखो
कभी कभी लोग इसको नॉर्थन, ये जो नॉर्थन हिमालय है ना, जो नदन हिमालय है ना, नदन हिमालय, इसको वेस्टर्न हिमालय भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं? अच्छा एक बात बताओ, इसके रिस्पेक्ट में ये वाले, ये जो ए है, ए के रिस्पेक्ट में ये लाल वाला ए के ईस्ट में है कि वेस्ट में है, बताओ? लाल वाला ए के वेस्ट में है कि ईस्ट में है? लाल वाला ब्रो, लाल वाला मतलब महान हो आप लोग। सर लाल वाला जो है वो ए के ईस्ट में है, और सर ये ब्लू वाला क्या है, लाल वाले के वेस्ट में है, इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग वेस्टर्न हिमालयाज भी बोल देते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज भी बोल देते। तो डरना नहीं है, बात एक एक ही बात है, ठीक है? वेस्टर्न हिमालयाज बोलो, नदन हिमालयाज बोलो, ठीक है? तो वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है? तो टॉपिक डालिएगा, सॉरी स्टेट डालिएगा, टॉपिक तो है ईस्टर्न हिमालय, स्टेट सबसे पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश, बहुत इजी है। क्या पढ़ना है, सबसे पहला डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये चार ईस्टर्न हिमालय का पहाड़ है जो कि हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, चार बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, 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 डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। कहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? अरुणाचल प्रदेश। क्या वेस्टर्न हिमालयास पढ़ रहे हैं? नहीं, ईस्टर्न हिमालयास पढ़ रहे हैं, ठीक है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और भैया जो नहीं लिखते हैं ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, लिखना स्टार्ट करें, पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, ठीक है? बाद में मुझे परेशान मत करना कि पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है? तो प्लीज लिखना स्टार्ट करें, पीडीएफ एक अलग चीज होता है यार, लिखना अलग चीज होता है। चलो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। अब आपको खोलना है क्या, अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल मैप, अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल मैप, ठीक है? अब तो शायद पता चल ही गया होगा कौन सा फिजिकल मैप है और कौन सा पॉलिटिकल मैप है। तो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, डफला, डफला, सी डफला दिख रहा होगा, डफला, नहीं दिख रहा है तो बना लो डफला। उसके बाद यहां पे दिख रहा होगा मीरी, मीरी, मीरी। उसके बाद दिख रहा होगा अबोर, अबोर, और फिर दिख रहा होगा मिशमी, मिशमी, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी। मिला सभी को? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि एग्जाम में आपसे पूछेगा अबोर, डफला, मीरी, मिसमी, अबोर, डफला, मीरी, मिसमी, इन सभी को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, तो आप लोग डर जाइएगा क्या? नहीं डरना, क्यों? मैंने वैसे याद करवाया, देखो ना, सबसे वेस्ट में कौन है सर? डफला, उसके बाद अबोर, एक सेकंड यार, डफला, डफला, उसके बाद है सर मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, इसलिए मैंने बार बार बोला कि डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, मतलब सर ये जो है वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब सबसे वेस्ट में कौन है? डफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद अबोर, मिसमी, मतलब सर पहले ये क्या है, ये है डफला, डफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद अबोर, उसके बाद मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, समझ में आया सभी को? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। आगे बढ़ू मैं, एक और चीज आपको लिखना है, एग्जाम में पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है,
ठीक है, जैसे झारखंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर? पारसनाथ, ठीक है, वैसे ही सर अरुणाचल प्रदेश का पूछता है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आपको याद होगा कांगटो, कांगटो। भैया कौन सा हिमालय का भाग था ये बताएंगे आप लोग? कांगटो कौन सा हिमालय का भाग था? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, कौन सा हिमालय का भाग था? सर ग्रेटर हिमालय। और आपको याद रखना है कांगटो इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कांगटो जो है वो हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश का, समझ में आया? कांगटो जो है वो हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर? कांगटो, कांगटो, कांगटो। आगे बढ़ू मैं? चले वेरी गुड, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कौन सा स्टेट सर? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नागालैंड, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नागालैंड। नागालैंड में सर बहुत हार्ड है, याद ही नहीं होगा किसी को, नागा हिल्स। दूसरा सर, दूसरा है सारा माटी, सारा माटी। नागालैंड में क्या है सर? दो ही हिल्स है, दो ही पढ़ना है हमें। पहला है नागा हिल्स, मतलब इतना हार्ड है कि आपको याद नहीं होगा ये, मैं बता रहा हूं, मतलब बहुत हार्ड है ये। नागालैंड में एक हिल मिलता है जिसका नाम है नागा हिल्स, नागा हिल। और सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, मतलब सारा माटी कहाँ मिल रहा है आपको? नागालैंड में मिल रहा है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो सारा माटी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, सारा माटी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। दी नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन है? सारा माटी, सारा माटी, सब जगह माटी, सारा माटी, नागालैंड, नागा हिल्स, सारा माटी। आई होप लिख लिया होगा अभी तक। अब देखो नागालैंड कहाँ है, मेरी नमामी, नमामी, नमामी कहाँ है? नमामी, सी नागालैंड, सी नागालैंड, ओके। नागालैंड में आपको यहां दिख रहा होगा नागा हिल्स, दिख रहा है किसी को नागा हिल्स आपके मैप में? आपके मैप में नागा हिल्स दिख रहा होगा, देखिए मार्क कर लीजिए उसको। उसी के जस्ट थोड़ा सा साउथ में या फिर थोड़ा सा ईस्ट में आप कह सकते हैं कि दिख रहा होगा सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, दी माटी का सारा, सारा माटी। हो गया होगा, हो गया होगा, चलिए आई होप हो गया होगा। तो क्या करना है अब? नहीं हो गया, खत्म करते हैं क्लास। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आप लोग मुझे बताएंगे मिजोरम कहाँ है, आप लोग मुझे बताएंगे मिजोरम कहाँ है? मणिपुर में मुझे मिजोरम दिखता है। आप लोग मुझे बताएंगे नामचा बारवा कहाँ दिख रहा है आपको? नामचा बारवा, नामचा बारवा कहाँ दिख रहा है? आप लोग मुझे बताएंगे नागा हिल्स कहाँ दिखेगा? नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स कहाँ दिखेगा? आप लोग मुझे बताएंगे कि डफला मेरी अबोर मिसमी कहीं पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? डफला मेरी अबोर मिसमी, डफला मेरी अबोर मिसमी कहाँ पढ़ा है? आप लोग मुझे बताएंगे कहीं तो पढ़ा है हमने सारा माटी, सारा माटी, सारा, सारा माटी कहाँ पढ़ा है? सारा माटी,
सारा माटी कहाँ पड़ा है? मतलब सर अब तो ब्लड में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। चलो नेक्स्ट स्टेट है दी मणिपुर। दी मणिपुर यहाँ पे सिर्फ मनी होता है, मनी। दी मणिपुर सबसे पहला हिल है इसो, या फिर इसी का एक और नाम है टेम्पू। टेम्पू दूसरा हिल है सर लाई मटोल, लाई एल ए आई मटोल, लाई मटोल, लाई मटोल हिल्स। दो है सर यहाँ पे, यहाँ पे भी दो है, ज्यादा 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 मेहनत ही नहीं करना है। दो है सर, एक है इशू या फिर इशो, जो भी बोलो, इशो का ही एक अलग दूसरा नाम है टेम्पू। टेम्पू लाई मटोल, लाई मटोल, लाई मटोल, लाई मटोल। और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, तो इसो टिम्पो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। ठीक है, जो इसो है यही हाईएस्ट पीक है सर, कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर का हाईएस्ट पीक कौन सा है? इसो और टेम्पो। हो गया, लिख लिए। चलो दिखाता हूं मैं कहां पे है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नागालैंड में, मणिपुर के नीचे, नागालैंड के नीचे मणिपुर पे। तो देखें यहां पे आपको इसो और टेम्पो नहीं दिखेगा, आप बना लेंगे। इसो और टेम्पो नहीं दिखेगा, आप बना लेंगे। ठीक है, इसो और टेम्पो नहीं दिखेगा, आप बना लेंगे। इसो का ही नाम है टेम्पू, ठीक है, दूसरा नाम है टेम्पू। और इसो के साउथ में आपको दिखेगा लाई मटोल, लाई मटोल, लाई मटोल रेंज, लाई मटोल, लाई मटोल। तो याद कैसे रखना है? एक लड़की थी ईशा, ठीक है, उसको मैं प्यार से बोलता था इशू, इशू। लड़की थी ईशा, उसको मैं प्यार से बोलता था इशू। इशू के साथ मैं गया लाई मटोल देखने। कैसे गया सर? टेम्पू में बैठ के, टेम्पू में बैठ के। इशू, टेम्पू, लाई मटोल, आई होप सब याद हो गया होगा। कहाँ पे? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्पू में आप जा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। मनी, मनी, मणिपुर। कहाँ पे पड़ रहा है? मणिपुर। टेम्पू में आप कहीं बैठिएगा तो पैसा देना पड़ेगा ना। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। इशू के साथ मैं बैठ के जा रहा था लाइमटोल रेंज देखने। किस में बैठ के जा रहा था? टेम्पू में। तो इशू, इशू, टेम्पू, लाइमटोल, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं हम लोग कितना याद हुआ है। आप लोग मुझे बताएंगे डफला कहाँ पड़ा है? डफला, डफला कहाँ पड़ा है? डफला कहाँ पड़ा है? डफला कहाँ पड़ा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सारा माटी कहाँ पड़ा है? सारा माटी, सारा माटी कहाँ पड़ा है? आप लोग मुझे बताएंगे टेम्पू कहाँ पड़ा है? टेम्पू, टेम्पू, लाइमटोल कहाँ पड़ा है? लाइमटोल, कहीं तो पड़ा है मीरी, मीरी हिल्स, मीरी हिल्स, कहीं तो पड़ा है मीरी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हम लोग।
नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम मिजोरम यहाँ पे एक हिल है जो किसी को याद नहीं होता है, नाम है मिजो हिल्स, बिल्कुल याद नहीं होता है। एक और हिल है जिसका नाम है सर ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन का एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, है क्या नाम है देखिएगा ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, फांग पुई। फांग पुई, फांग पुई, फांग पुई, फांग पुई। और लास्ट में एक और हिल है जिसका नाम है लू साही। लू साही, लू साही। मिजो हिल्स, मिजोरम में आपको क्या दिखेगा, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, मतलब याद करने का जरूरत ही नहीं है। एक दिखता है ब्लू माउंटेन, लेकिन एग्जाम में आपसे ब्लू माउंटेन नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको बोलेगा कि फांगपुई कहाँ है, क्योंकि ब्लू माउंटेन का ही दूसरा नाम है क्या, फांगपुई। ब्लू माउंटेन का ही दूसरा नाम क्या है, फांगपुई, फांगपुई। और सर फांगपुई मिलेगा, एक और हिमालय, एक और पर्वत दिखता है वहां पर हमें, जिसका नाम है लू साही। लू साही, लू साही, मतलब मिजो हिल्स, फांगपुई जिसका नाम ब्लू हिल्स भी है, और लू साही। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। देखिए मिजोरम, मिजोरम ये दिख रहा होगा आपको लूसाही, नहीं दिख रहा होगा बना लेंगे लूसाही। लूसाही के साउथ में आपको दिखेगा मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स के साउथ में आपको दिखेगा ब्लू माउंटेन्स या फिर फांगपुई, फांगपुई, फांगपुई। दिखा, मार्क कर लेंगे, दिखेगा तो, नहीं दिखेगा तो बना लेंगे। हो गया। मिजोरम का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है सर, ब्लू माउंटेन्स या फिर फांगपुई। अगर आपसे पूछा जाए अरे मिजोरम में ए होगा, ए, मिजोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर, तो ब्लू माउंटेन या फिर फांगपुई, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम कौन है सर, फांगपुई या फिर ब्लू माउंटेन। ठीक है, दिखा सभी को, अब मजा आएगा। चले बढ़ते हैं हम लोग, आइए आप लोग मुझे बताएंगे मिशमी कहां पड़ा है, मिशमी, मिशमी कहां पड़ा है, मिशमी कहां पड़ा है, आप लोग मुझे बताएंगे फांगपुई कहां पड़ा है, फांगपुई, फांगपुई कहां पड़ा है, फांगपुई कहां पड़ा है, आप लोग मुझे बताएंगे। सी लगाएंगे आप आंसर, हाँ मणिपुर में पढ़ा है कि मिजोरम में पढ़ा है, फांगपुई मणिपुर में पढ़ा है कि मिजोरम में पढ़ा है, सी कैसे लगा सकते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मिजोरम में आप लगाएंगे लूसाही, लूसाही कहाँ दिखता है आपको, लूसाही, लूसाही कहाँ दिखता है आपको, लूसाही कहाँ दिखता है आपको, वेरी गुड, आपको मणिपुर में दिखेगा लूसाही सर, मिजोरम में दिखता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारामाटी कहाँ पड़ा है, सारामाटी, सारामाटी कहाँ पड़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इशू टेम्पू,
इशू टेम्पू कहीं पढ़ा है सर, इशू टेम्पू कहाँ पढ़ा है, इशू और टेम्पू, इशू और टेम्पू कहाँ पढ़ा है? तो सर मिजोरम में नहीं पढ़ा है, मणिपुर में पढ़ा है। अगर मैं पूछूं लाइमटोल कहाँ पढ़ा है, लाइमटोल, लाइमटोल कहाँ पढ़ा है? तो सर मणिपुर में पढ़ा है। आप लोग में से कोई कोई कंफ्यूज हो जा रहे होंगे लुसाही में, लुसाही में और लाइमटोल में, लाइमटोल में, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो मणिपुर एम ए एन आई, एम के बाद क्या आ रहा है सर, ए, और लाई में भी, लाइमटोल में भी एल के बाद क्या आ रहा है, ए, मतलब मणिपुर में क्या है, लाइमटोल है, लुसाही नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि अबोर कहां दिखा है, अबोर, अबोर कहां पड़ा है, अबोर, अबोर कहां पड़ा है, वेरी गुड, आप लोग मुझे बताएंगे नाग टिब्बा कहां पड़ा है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहां पड़ा है, नाग टिब्बा कहां पड़ा है, नाग टिब्बा कहां पड़ा है? नागालैंड याद आ गया ना, नागालैंड याद आ गया होगा, नाग टिब्बा कहां पड़ा है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहां पड़ा है, वेरी गुड, लद्दाख में पड़ा है, वेरी गुड। देख रहे सर, अब मतलब अब असली असली जंग अब है, अब है असली जंग, अब है असली जंग, नाग टिब्बा अभी तक नहीं याद आया, नाग टिब्बा कहां पड़ा है सर, उत्तराखंड में पड़ा था, उत्तराखंड में पड़ा था, मिडिल हिमालय में। कुमाऊं कहां पड़ा है, कुमाऊं, अभीडी, फिर अभीडी, यही मुझे खराब लगता है, अभीडी बोल के फायदा क्या है? आप पहले जब पूछने का बात था उस वक्त आपने डी नहीं लिखा, बाद में सुन के आप आंसर लगा रहे हो डी, और जिसको बोल रहा था वो समझ जाए अपने आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट कहां दिखेगा आपको, माउंट एवरेस्ट कहां दिखेगा आपको, माउंट एवरेस्ट कहां दिखेगा आपको? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि माउंट कंचनजुंगा कहां दिखेगा, माउंट कंचनजुंगा कहां दिखेगा? माउंट कंचनजुंगा कहां दिखेगा? अगर मैं पूछ लूं नागा हिल्स कहां दिखेगा, नागा हिल्स कहां दिखेगा? नागा हिल्स कहां दिखेगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टेम्पू कहां चलाएंगे आप, टेम्पू, टेम्पू कहां दिखेगा, टेम्पू कहां दिखेगा? बाकी लोग अकबका गए हैं, आंसर नहीं देना है, है ना, क्या मजाक चल रहा है? हेलो हेलो हेलो, ओह वेरी गुड, आप टेम्पू चलाएंगे मिजोरम में, वेरी गुड, आई दे रहे भैया आंसर, टेम्पू के लिए आई दे रहे आंसर, वेरी गुड, अगर मैं आपसे पूछूं कि फांगपुई कहां दिखेगा, फांगपुई, फांगपुई कहां दिखेगा, फांगपुई कहां दिखेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि लुसाही कहां दिखेगा, लुसाही, लुसाही कहां दिखेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि सारा माटी कहां दिखेगा, सारा माटी, सारा माटी कहां दिखेगा?
और वो लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं, भैया मेरा श्राप लगेगा आपको, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हुए आपसे नहीं बनेगा, जो आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राका पोशी कहां दिखेगा, राका पोशी, राका पोशी, तो आई होप पूरा इमेज बन रहा होगा आपके माइंड में। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको स्टेट नहीं याद आ रहा होगा, आपको मैप में आप जा पा रहे होंगे वहां पे जहां पे वो दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट स्टेट, स्टेट का नाम है, स्टेट का नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। सर यहाँ पे एक ही पढ़ना है हमें, जिसका नाम है बैटलिंग सिद्ध, बैटलिंग सिद्ध, बैटलिंग सिद्ध। और ये हाईएस्ट, हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ, किसका, त्रिपुरा का, त्रिपुरा का हाईएस्ट माउंटेन है बैटलिंग सिब। कौन सर, बैटलिंग सिब। ठीक है, बैटलिंग सिप, समझ में आया सभी को, बैटलिंग सिप ये हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ दिखता है, त्रिपुरा में दिखता है। त्रिपुरा में दिखता है, सी, यहाँ पे आपके मैप में दिख रहा होगा, आपके मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा सभी को, दिखा सभी को, दिखा बैटलिंग से। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट स्टेट, और वो स्टेट है कौन सा बच गया, असम बचा होगा, असम बचा होगा। असम में मिलेगा आपको मिकिर, मिकिर हिल्स और रेंगमा, रेंगमा, असम में दिखा होगा मिकिर हिल्स एंड रेंगमा, मिकिर रेंगमा, दो दिखेगा आपको असम में, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। अच्छा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, मिजोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा है, मिजोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा है, वेरी गुड। असम में लिखेंगे आप लोग मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा। ठीक है, कहां पे दिखता है असम में, मैं दिखा दे रहा हूं, असम खोलिएगा, सी, यहां पे दिखेगा मिकिर हिल्स, मिहिर नहीं, मिकिर, वो पुरानी आंटीज लोग को पता होगा मिहिर कौन है, पूछेगा अपना मम्मी लोग से, पता चलेगा, मतलब चाची लोग से, दीदी लोग से, जो मतलब आप लोग को भी पता होगा कि मिहिर कौन था। जब मिहिर मना था, जब मिहिर मरा था तो किसी के घर में खाना नहीं बना होगा। यस, देखें लड़कियों को पता है, तो मिहिर से याद रख सकते आप लोग, मिकिर, मिकिर,
मिकीर, मेरे घर में भी नहीं बना था इसीलिए मुझे याद है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मिकीर हिल्स। हम लोग लड़के लोग का जीवन बहुत खराब है यार, कुछ याद ही नहीं रहता है। आज से 20 साल पुराना, मतलब 20 साल बोलो या फिर 15-20 साल तो पुराना था ही। मिकीर हिल्स, मिकीर हिल्स, और उसके साउथ में रेंगमा, रेंगमा, ठीक है, रेंगमा, समझ में आया सभी को? मिकीर रेंगमा, मिकीर रेंगमा, मिकीर रेंगमा। इंसान को हर एक चीज आना चाहिए, हर एक चीज इंसान को आना चाहिए। मतलब ऐसी, मतलब ये बात बोलना बहुत गलत होता है कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। इंसान को हर एक चीज आना चाहिए। अ पर्सन शुड बी एन ऑलराउंडर। आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको बर्तन मांजना आना चाहिए, आपको झाड़ू लगाना आना चाहिए, आपको पढ़ने भी आना चाहिए, आपको किसी से बात भी करना आना चाहिए, आपको हर एक चीज का नॉलेज चाहिए। ऑलराउंडर, यू शुड बी ऑलराउंडर, ठीक है। इंटरेस्ट लाओ यार, लाइफ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। चलो, मिकीर रेंगमा हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा, मेघालय, 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 मेघालय। बट नोट, नोट नहीं पढ़ो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, अभी नहीं याद आ रहा असम का क्या था, मैं बाद में बता दूंगा, मैं भूल गया हूँ, स्किप हो गया माइंड से। सर्च कर लेना एक बार गूगल में, मिल जाएगा, ठीक है। मेघालय, मेघालय में जो माउंटेन्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस। जो भी माउंटेन्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ मेघालय में, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कि पेनिनसुलर भारत का भाग है। मतलब जैसा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है ना, जैसे भारत का पेनिनसुलर पार्ट है ना, वैसा सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको मेघालय के पहाड़ों में दिखता है। और मेघालय का जो भी पहाड़ के बारे में बताऊंगा ना, वो सर हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है? भारत का पेनिनसुलर इंडिया का। क्यों ऐसा? क्योंकि सर ये भी उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के वजह से ही कुछ कुछ घटना चक्र हुआ था, जिसके वजह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है भारत के पेनिनसुलर इंडिया से कोरिलेट करता है। तो कौन कौन सा मेघालय में पहाड़ पड़ना है हमें, मतलब आप लोगों को पता होगा, लिख लिया इतना, मतलब ये बात समझ में आ गया कि भैया हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बचपन से सुनते आए हैं, गैरो, खासी, जयंतिया, जयंतिया, गैरो खासी जयंतिया, गैरो खासी जयंतिया, गैरो खासी जयंतिया, गैरो खासी जयंतिया। एग्जाम में मतलब पूछा जाता है कि क्या ये हिमालय का हिस्सा है, तो आपको बोलना नहीं है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पेनिनसुलर भारत का हिस्सा है, ठीक है। और सर गैरो देखो कहाँ पे दिखता है, पहले तो ऑब्जर्व करो इस चीज को, इस चीज को ऑब्जर्व करो। मतलब सी यहाँ पे आपको मेघालय दिख रहा है, दिस इज मेघालय, दिस इज मेघालय, दिस इज योर मेघालय, मेघालय। अब देखो मेघालय में यहाँ पे गैरो दिखेगा, खासी दिखेगा, फिर जयंतिया दिखेगा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, गैरो खासी जयंतिया। अब देखो भारत, झारखंड में एक पहाड़ी है, किसी को पता होगा तो राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स एग्जाम में पूछा जाता है ना कि राजमहल हिल्स और गैरो हिल्स, राजमहल हिल्स और गैरो हिल्स के बीच का जो गैप है, ये गैप कौन से कौन सा फॉल्ट के द्वारा भरा जा रहा है, तो कौन से फॉल्ट के द्वारा वहां पे वो गैप आ रहा है? तो एक फॉल्ट है जिसका नाम है मालदा फॉल्ट, वेस्ट बंगाल का एक जगह है मालदा, वहां पे एक मालदा दरार, मालदा दरार, ठीक है, मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट दिखता है, उसके वजह से
ये गैप जो गैप बन रहा है सर गैरो और राजमहल के बीच में, वो गैप को फिल होता है सर, ठीक है। वो गैप राजमहल और गैरो के बीच में जो गैप है, वो गैप कौन सा फॉल्ट के कारण हो रहा है सर? मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट, आपको मालदा फॉल्ट याद रखना है, कभी इधर उधर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी का है पार्ट, एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। चले, गैरो खासी जयंती। तो एक ओवरऑल हमने तो सभी पढ़ लिया, एक ओवरऑल हो जाए। चलो आप लोग मुझे बताएंगे बैटलिंग सिब कहाँ पड़ा है? 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 आप लोग मुझे बताएंगे फांगपुई कहां पड़ा है? फांगपुई कहां पड़ा है? फांगपुई कहां पड़ा है? फांगपुई कहां पड़ा है? आप लोग मुझे बताएंगे कि सारामाटी कहां पड़ा है? सारामाटी कहां पड़ा है? सारामाटी कहां पड़ा है? आप लोग मुझे बताएंगे कि लाई मटोल कहां पड़ा है? लाई मटोल। भैया लाई मटोल आपको नागालैंड में दिख रहा है, मतलब कैसे दिख जा रहा है आपको? नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि लूसाही कहां देखने को मिला, लूसाही कहां देखने को मिल रहा है? तो यार मतलब इससे अच्छा व्यवस्था नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिकिर हिल्स कहां देखने को मिल रहा है, मिकिर 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 कहां देखने को मिल रहा है? मिकिर मतलब मिहिर को नहीं बोल सकता सर, मैं कुछ भी हो जाऊं क्योंकि मैं भी कभी बहू बनूंगी, फिर सास बनूंगी, सास भी कभी बहू थी। सर अगर मैं आपसे पूछूं रेंगमा, रेंगमा कहाँ दिखता है? रेंगमा, रेंगमा हिल्स। तो भैया मैंने सब कुछ ही बता दिया। दो और हिल्स हैं जिसके बारे में लिख लो आप लोग। पटकाई बुम, पटकाई बुम, पटकाई बुम, ये आपको कहाँ कहाँ दिखता है सर? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, असम में दिखेगा और नागालैंड में दिखेगा, ठीक है। और एक है बरेल, BARAIL, बरेल रेंज। बरेल रेंज ये कहाँ कहाँ दिखेगा? ये आपको असम, नागालैंड, असम नागालैंड और मणिपुर में दिखेगा, ठीक है। असम नागालैंड और मणिपुर में दिखेगा। समझ में आया सभी को? ये दो है, मतलब पटकाई बूम और बरेल ऐसा है कि एक स्टेट में ही स्थित नहीं है, अलग अलग स्टेट में उसका एक्सटेंशन है। पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। बरेल जो है असम, नागालैंड, मणिपुर। तो अगर मैं दिखा दूं आपको कहाँ कहाँ पे है ये, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखो मैंने गैरो खासी जयंतिया नहीं दिखाया था ना, सी गैरो खासी जयंतिया, ठीक है। ये तीनों मार्क कर लेना, मेघालय में गैरो खासी जयंतिया मेघालय में दिख रहा होगा आपको, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, बस मार्क करना है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं पटकाई बुम, पटकाई बुम कहाँ भैया? पटकाई बुम
तो ये है आपका पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम यहाँ पे, और यहाँ पे दिखेगा आपको बरेल, सी यहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा बरेल, बरेल रेंज, पटकाई बूम एंड बरेल, बरेल, पटकाई बूम एंड बरेल। तो ये पूरा ईस्टर्न हिमालय खत्म होता है। कल हम लोग एक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के बीच में। कल कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। सी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डर नहीं लगेगा कि सर नामचा बारवा तो पता है, कांगटो पता है, पटकाई बूम पता है, नागा हिल्स पता है, सारा माटी पता है, नागा, नागा हिल्स पता है, ईसू टेम्पू पता है, सर लाइमाटोल पता है, सर मणिपुर में मुझे ब्लू हिल्स, अरे मणिपुर में इधर कहाँ गया, सॉरी मिजोरम ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलत कर दिया था क्या मैंने, नहीं सही है, ठीक है, मिजोरम में सर ब्लू हिल्स दिखेगा आपको, सर लूसाही दिखेगा, मणिपुर में आपको सर ईशो टेम्पू ये सब दिखेगा, ठीक है, गैरो खासी जयंतिया दिखेगा आपको मेघालय में, सर मिकिर, मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा असम में, तो बैटलिंग शिप दिखेगा आपको त्रिपुरा में, ठीक है। चलो इसी बीच में अगर आपसे पूछ लूं विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, सारा माटी, सारा माटी। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, 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 टेम्पू, टेम्पू या फिर ईसो, वेरी गुड यार। तो हिमालय आई होप समझ में आया आपको, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल मिलते हम लोग, सेवाएं आज तक, आज का यहीं तक थी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे वरना हम लोग रैप अप करेंगे।